एक बार फिर स्वागत कुंवर विजय प्रताप सिंह होरां वल्लों जिहड़े जी अहम खुलासे कीते गए ने ओह आपां वन बाय वन जिहड़े आ जी उन्होंने की कहा वह तुहाडे नाल सांझे करन की कोशिश करदा। पहली गल उन्हें कही है कि सरकारी वकीलों नूं 5-star होटल दे विच रखना पैंदा सी ते उहदा 55 लाख रुपया जिहड़ा सी उहदा खर्चा आउंदा सी। सो जिहड़े सरकारी वकील ने यह ताज होटल दे विच ठहरदे सी तो जे कि उत्थे बुकिंग नहीं सी हुंदी ना तो फिर इन्हां नूं मैरियट दे विच ठहराउणा पैंदा सी और मैरियट दे विच लिजाण वास्ते इन्हां दे 100 नखरे जिहड़े आ उह सहणे पैंदे सी। सो वकीलों की एक दिन की फीस जिहड़ी आ ओह मेरी 3 साल की तनखाह के बराबर होंदी सी। इह कुंवर विजय प्रताप सिंह होरी कह रहे हैं। नाल उन्होंने यह भी गल कही कि मैनू सरकारी वकीलों ने टॉर्चर किया। मुख्यमंत्री के कहण के उपर भी जो एडवोकेट जनरल अतुल नंदा होरी ने वह अदालत दे विच खुद नहीं गए। एडवोकेट जनरल अतुल नंदा पेशी मौके ही मैडिकल की छुट्टी पर चले जाते हैं। तुम ये आप अंदाजा ला लियो कि सारा कुछ जिहड़ा जी वो केस ढंग दे नाल इस सारी की सारी SIT की रिपोर्ट नूं या फिर इस केस नूं किवें गारबेज किया गया। मुख्यमंत्री दे ध्यान दे विच लियाउण ते भी कोई फर्क नहीं पिया। हुण मुख्यमंत्री दा एडवोकेट जनरल होवे ते मुख्यमंत्री नूं कहूगा ते फिर ही उहो क्योंकि सारी मिली भगत सी कुत्ती चोरां नाल रली सी। मैं वकीलां नूं कहा कि एक बार अदालत विच मैनूं बहस करन दा मौका दित्ता जावे पर उह नहीं मन्ने। दिल्ली जाके सरकारी वकीलों के दफ्तर जाके चपड़ासी वांग खड़ना पैंदा सी। HS फूलका भी मेरे अस्तीफे दे लई जिम्मेवार ने। एक कुंवर विजय प्रताप सिंह कह रहे ने कि HS फूलका होरी भी मेरे इस अस्तीफे लई जिम्मेवार ने। जदों फूलका साहब वालों अखबार दे विच बयान दिता कि मुफ्त केस लड़न लई मैं खुद फूलका साहब नूं संपर्क किया ते केस बारे सारे दस्तावेज की जानकारी भी प्रदान की। फूलका साहब ने यह कह के केस लड़न तो मना कर दिता कि मैं सुप्रीम कोर्ट तो हेठा का केस नहीं लड़ता। उन्होंने किसी होर वकील की ड्यूटी ला दिती जो मीडिया में साढ़े खिलाफ बोलता रहा। तुसीं इह फूलका साहब वाला जिहड़ा पॉइंट कुंवर विजय प्रताप सिंह होरां दस्सिया ये दिमाग च रखियो आपां इत्थे अगे जाके होर गलबात करदे हां। सो फूलका साहब हुण गोलीकांड बारे बोलण तो फूलका साहब नूं हुण गोलीकांड बारे बोलण तो रोकिया कि हुण तुसीं इस बारे बोल के विखावा ना करो। मैं फूलका साहब नूं बहुत ही समझदार समझदा सी पर उन्होंने भी मेरा दिल तोड़िया। एक कुंवर विजय प्रताप सिंह जी दसते ने 14 नंबर जो लिखते हैं कि मैं हर बूहा खड़काया पर किसी पास कोई मदद नहीं मिली। मैं नवी सिट की कोई मदद नहीं करूँगा। मेरी आत्मा ने आवाज दिती है कि इस महकमे में हुण कोई जगह नहीं इसलिए मैं अस्तीफा दिता। यह केस का हुण कोई सिट्टा नहीं निकलेगा यह मेरा दावा है। मैं बतौर वकील केस लड़ांगा। मैं नौकरी छड्डण तो बाद बतौर वकील दबे कुचले लोगों के केसां की पैरवाई करांगा। ये खुलासे किए ने जी कुंवर विजय प्रताप सिंह होरां ने। तुहानूं याद होना जिहड़े निरंतर सरदारी TV देखते जो फूलका साहब एक बार इत्थे आए सी मैं खुद उन्हां दी इंटरव्यू की सी जिहड़ी कि एयर नहीं सी कीती ताकि आम आदमी पार्टी कोई नुकसान ना पहुंचे। उदों हले आम आदमी पार्टी दे एक ढंग ना कह लो भी अपने चित्तों मुख्यमंत्री दे दावेदार सन। और मैं सिर्फ इन्ना कि ही आके बाहर बोलिया सी भी काश मैं इस इंसान नूं ना मिलिया हुंदा क्योंकि कई बार जदों असीं बंदे नूं नहीं मिलदे एक परसैप्शन हुंदी है कई बार एक सत्कार हुंदा कई बार एक शरदा हुंदी है। 84 दे केसां दे बारे जो कुछ फूलका होरां नूं प्रचारिया जा रहा सी मेरे तो अलावा होर बहुत सारे होणगे जिन्हां दे मनां दे विच फूलका होरां प्रति शरदा होवेगी पर मेरा तो वह सुपना जिहड़ा सीगा उदों ही टुट गया सी।
उस तो बाद होर बहुत सारिया कहानियां जिहड़ियां जो तुसी शरदा च अन्ने हुंदे हो शरदा उल्लू हुंदे हो उदों तुसी बहुतियां चीज़ां नहीं देखते हुंदे तो जो तुसी घोखण लग जाओ तुहानूं बहुता सच जिहड़ा सामने आ जांदा इन्हां ने हुण तक कौम नूं बुद्धू बनाउण तों सिवा कीता कख नहीं इस केस दे विच वी इह कुछ ही कीता सिस्टम दा एक हिस्सा बन के एक पासों भी ड्रामा करके कि सिस्टम दे विरुद्ध ने इन्हां सारी कौम नूं बुद्धू बनाया हो भी बहुत सारे ने जिहड़े अपने च तों सिस्टम दे खिलाफ होण दा दावा करदे ने ड्रामा रचदे ने असल दे विच उस ही सिस्टम दा हिस्सा ने ते लोकां नूं बेवकूफ बनाउण दे विच अपनी मिथी हुई भूमिका निभाउंदे ने जिवें कुछ एक अकाली दल बादल नहीं उस तों इलावा जिहड़े अकाली दल ने सारा दा हाल इक्को जिहा ही आ हुण बलटोए दा बयान आउंदा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह दा जिहड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं उह कमला हो गया ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਦੂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵੈਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਮਲੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੜਾ ਕਰਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਚਲੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ